हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। सो आप सभी को स्वागत है फिर से। सो मेन टॉपिक शुरू करने से पहले मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप लोग प्लीज़ मेरा ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि योर सब्सक्रिप्शन इज़ वेरी मच नीडेड फॉर द ग्रोथ ऑफ दिस चैनल। सो आप लोगों को तो पता ही है ये चैनल पूरा यूनिक है, क्योंकि प्रेशर कुकर लेके ये चैनल आई थिंक यूट्यूब में भी फर्स्ट है। ये चैनल फर्स्ट यूट्यूब में ये चैनल है जो प्रेशर कुकर को लेके, प्रेशर कुकर का टेक्नोलॉजी, टेक्निक्स एंड जो क्वेरीज है ये सब लेके ये चैनल काम करता है। सो प्लीज़ ये चैनल पे ट्यून रहिए एंड राइट हैंड साइड में जो सब्सक्राइब बटन है वो बटन को क्लिक कीजिए, तो उसमें ऑल एक ऑप्शन आएगा। सो वो ऑप्शन को क्लिक कर डालिए, तो उसमें मेरा जो अपडेट्स है वो आप लोगों को मिलता रहेगा। सो आज जो टॉपिक है, ये टॉपिक है हमारा प्रेशर कुकर। ये जो प्रेशर कुकर है हम लोगों को तो पता ही है, ये प्रेशर कुकर में हुइसल आता है, हम लोग हुइसल के अनुसार हम लोग खाना पकाते हैं। पर आप लोगों के अंदर ये क्वेश्चन आता है क्यों ये सेफ्टी वाल्व फ्यूज़ होता है, ये सेफ्टी वाल्व फ्यूज़ होने का कारण क्या है। सो वही मैं आऊँगा। सो ये मैं एक प्रेशर कुकर को बिठाया हूँ, गैस पे चढ़ाया हूँ। सो इसमें फर्स्ट हुइसल आने दीजिए, उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं। तो देखिए फर्स्ट हुइसल आ रहा है। सो ये फर्स्ट व्हीसल क्यों है, व्हीसल क्यों आता है, एक्चुअली प्रेशर कुकर को मेकिंग जब होता है तब ये एक स्टैंडर्ड है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, ताकि ये प्रेशर कुकर 15 PSI पाउंड पर स्क्वायर इंच ये प्रेशर जब बन जाता है प्रेशर कुकर के अंदर, और उसका इक्विवेलेंट है 1 kg पर स्क्वायर सेंटीमीटर, ये प्रेशर जब बन जाता है एंड तब उसमें प्रेशर कुकर के अंदर में टेम्परेचर जो होता है, पानी का जो वाटर वेपर का जो टेम्परेचर होता है वो है 121 डिग्री सेल्सियस, लगभग वैसा ही होता है। सो वो जब रीच कर जाता है प्रेशर कुकर, देखिए फिर से, सो ये दिखाने के लिए मैंने दिया था, तो अभी मैं बंद कर रहा हूँ ये कुकर को। सो तो क्या होता है ना, तो ये 15 PSI प्रेशर और 1 kg पर स्क्वायर सेंटीमीटर प्रेशर पे प्रेशर कुकर व्हीसल देता है। पर अभी जो क्या बोलते हैं ना, जो रिवाइज हुआ है वो है जब ये व्हीसल आता है तो प्रेशर कुकर तो 15 PSI या 1 kg पर स्क्वायर सेंटीमीटर प्रेशर में काम करता है, पर जब व्हीसल उठता है तब इसका इससे प्रेशर निकल जाता है, सो थोड़ा सा कम हो जाता है। तो तब अभी जो रिकमेंडेड है, जब ये व्हीसल बनेगा तब प्रेशर होना चाहिए अंदर में, जो रिकमेंडेड है 15 PSI उससे 20% ज़्यादा, ताकि 18 PSI तक फर्स्ट व्हीसल में प्रेशर बनना चाहिए। उसके बाद जब व्हीसल उठेगा सो वो 18 PSI से कम होकर 15 PSI प्रेशर बनता रहेगा एंड वो प्रेशर रेगुलेट होता रहेगा, ताकि जैसे व्हीसल आने का जब ये होता है तब व्हीसल आएगा एंड वो 18 PSI प्रेशर से कम होकर 15 PSI प्रेशर मेंटेन होगा। पर सेफ्टी वाल्व फ्यूज़ क्यों होता है, हो सकता है आपका ये जो प्रेशर कुकर का जो व्हीसल है इसमें अगर कुछ दाल या दाना या कुछ अटक जाए तो ये व्हीसल नहीं आएगा, तो उसमें क्या होगा, ज़रूरत से ज़्यादा प्रेशर बनना शुरू कर देगा। तो ज़रूरत से जब ज़्यादा प्रेशर बनना शुरू कर देगा तब ये देखिए ये ढक्कन के इधर एक सेफ्टी वाल्व लगा हुआ है, ये सेफ्टी वाल्व में एक मेटलिक एलॉय है। आप लोग देखिए ये है सेफ्टी वाल्व का दूसरा पार्ट, ठीक है, जो सेफ्टी वाल्व इधर दिख रहा है वही सेफ्टी वाल्व का दूसरा पार्ट जो अंदर में रहता है वो है ऐसा। सो इसमें एक मेटलिक एलॉय रहता है, ये वाला एलॉय, ये एलॉय जो मैंने बोला था ना 15 PSI प्रेशर में व्हीसल आता है, अभी तो चेंज होके 18 PSI हो गया है ज़्यादा से ज़्यादा। सो ये एलॉय ऐसे ही फिक्स किया गया है ताकि ये एलॉय जब गल जाता है या मेल्ट हो जाता है तब प्रेशर होता है लगभग 30 PSI या 35 PSI, ठीक है। सो प्रेशर कुकर जो प्रेशर में व्हीसल देता है अगर वो प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर बन जाता है प्रेशर कुकर में, तब प्रेशर कुकर बास्ट होने का या फटने का एक खतरा रहता है, बनता है। तो वो खतरे को कम करने के लिए या वो खतरे को 0% करने के लिए ये सेफ्टी वाल्व लगाया जाता है एंड ये सेफ्टी वाल्व फ्यूज़ होता है जब ये व्हीसल वाला प्रेशर, व्हीसलिंग में जो प्रेशर बनता है उस प्रेशर से जब डबल प्रेशर हो जाता है तब ये सेफ्टी वाल्व
फ्यूज़ हो जाता है, एंड फ्यूज़ होने के बाद इधर से बहुत ज़ोर से वेपर निकलता है एंड एक्सेस जो अनसेफ प्रेशर है वो बाहर निकल जाता है एंड प्रेशर कुकर फटने से रोक देता है। सो दिस इज़ द साइंस बिहाइंड द प्रेशर कुकर व्हिसलिंग, प्रेशर कुकर सेफ्टी वाल्व फ्यूजिंग। सो ये सेफ्टी वाल्व फ्यूज़ चेक करने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, रेगुलरली ये जो नोज़ल है ये नोज़ल को तो क्लीन करना पड़ेगा ताकि इसमें कुछ दाना या डाल कुछ ना अटक के रहे। एंड हर बार यूज़ के पहले ये जो वेंट पाइप है, ये वेंट पाइप में देखिए एक एक छिद्र है, ये छिद्र को भी आप लोगों को साफ़ करना पड़ेगा बहुत अच्छी तरीके से। देखिए इधर साइड में भी बहुत सारा पैसेज है, ये पैसेज को भी साफ़ करना पड़ेगा। एंड जब आप लोग दाल या कुछ ऐसे कुछ बनाएंगे तब थोड़ा सा ध्यान पे भी रखना चाहिए ताकि अगर प्रेशर कुकर से बहुत फ्रॉडिंग हो रहा है तब तुरंत गैस को बंद कर देना है, नहीं तो ये प्रेशर कुकर में ज़्यादा प्रेशर बनता रहेगा एंड सेफ्टी वाल्व फ्यूज़ होने का चांसेस ज़्यादा हो जाएगा। सो ये सेफ्टी वाल्व फ्यूज़ हो जाने के बाद आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, कोई अच्छी दुकान पर जाना पड़ेगा एंड ओरिजिनल या असली सेफ्टी वाल्व से आप लोगों को ये सेफ्टी वाल्व, जो फटा हुआ सेफ्टी वाल्व है या खुला हुआ सेफ्टी वाल्व है, ये सेफ्टी वाल्व से नया सेफ्टी वाल्व जो असली ओरिजिनल सेफ्टी वाल्व है वो सेफ्टी वाल्व रिप्लेस करना पड़ेगा। अगर सेफ्टी वाल्व नकली हुआ तो प्रेशर कुकर जब ज़रूरत होगी तब वो सेफ्टी वाल्व फ्यूज़ हो नहीं पाएगा एंड प्रेशर कुकर फट जाएगी। सो ये थोड़ा सा ध्यान पे देना है एंड इसके साथ मैं ये टॉपिक आज ख़त्म करता हूँ। सो होप ये आप लोगों को काम पे आएगा एंड आप लोग फिर से कोई सवाल पूछ सकते हैं। आई एम रेडी विथ यू ऑल टू आंसर एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस इशू। सो मैं ये अभी आज के लिए टॉपिक ख़त्म कर रहा हूँ, फिर कोई एक टॉपिक लेके हम लोग हाजिर होंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो थैंक यू, कीप इन टच एंड कीप इन ट्यून विथ माई चैनल। बाय बाय।